मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जस्ट मैं उठा हूँ और तेरे व्लॉग को स्टार्ट कर लिया। बस आए 2 तारीख है ना, ऐसा लग रहा है ये वाले मंथ ना सेलिब्रेशन आने वाली है, खुशियाँ ही खुशी है इस मंथ में सबके लिए और हमारे लिए। कितना बढ़िया लग रहा है सुबह सुबह, और भैया कर रहे हैं नीचे खेत में काम, क्यारियाँ बना रहे हैं। अब सुबह के 8:30 हुए हैं। जहाँ से उठते ही मैं जब चेयर्स को देखता हूँ ना ऐसे, तो इसका मतलब कि पोछे बजेंगे। मेरे को डर लगता है, डर इसलिए कि आज तो मोपिंग होगी, मैं नहीं करूँगी मम्मी करेंगी, और मेरा मन खोलता है, दिल खोलता है कि मम्मी इतना काम ना करे, मजबूरन मेरे को ही करना पड़ता है। कितनी बार बोला कि यहाँ पे गाँव में मिल जाए कोई तो थोड़ा काम ईजी हो जाएगा, बट मिलता ही नहीं, क्या करें, कोई करता ही नहीं। तो गाँव में बात क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है ना, तो इसलिए कोई करता ही नहीं। सोचो मम्मी ने चाय भी पिलवा दी हमें। गाइस सबसे पहले आप सभी को अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से ढेर सारी नवरात्रों की शुभकामनाएं। ये वाले नवरात्रे आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए, फेस्टिवल वाले डे स्टार्ट हो चुके हैं और सबके लिए बढ़िया हो। ये क्या हाल चाल? बढ़िया। और नवरात्रों के अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से मैंने बोला सबको शुभकामनाएं। क्या हैप्पी नवरात्रे? हैप्पी नवरात्रे मम्मी। और मम्मी आपने सुबह ही मंदिर को अच्छे से सजा दिया ना, बढ़िया। पॉजिटिव सा माहौल हो रखा था, नो डाउट। श्राद्धों में भी पॉजिटिव माहौल था, डेली खाना बन रहा था, पितृ पूजन हो रहा था, और अब नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, माता रानी की जोत जलेगी और अच्छा लगता है ना। ऐसे फिर करवा चौथ आएगा, ओई अष्टमी आएगा, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, आगे पीछे कर दिया बट आएगा, है ना। मतलब कि इंडियन फेस्टिवल जो होते हैं ना असली वाले डेज वो ये होते हैं। फिर सर्दियों भी स्टार्ट हो गई, मम्मी रामलीला भी स्टार्ट होगी कल। कब जाना हमने? एक दिन चलेंगे, है ना। और मम्मी ये कर रहे हैं अग्नि भगवान को भोग लगवा रहे हैं। डेली लगाते हो ये? तो मैं आज देख रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाय को देते हो? आज अभी स्टार्ट किया ना खाना बनाना, मैंने अभी देखा आपको, मुझे नहीं पता था। मम्मी ये नित नियम हर करते ही छोड़ते नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। इस व्लॉग का जाने का मन ही नहीं कर रहा, डेली बनता है डेली नहीं जाता। और मम्मी कैसे? बढ़िया बढ़िया। और आज तीसरा दिन हो गया इस व्लॉग को, और फिलहाल हमारे घर में बन रही है आज तीसरे दिन के व्लॉग में चाय। और देखिए ये देखिए हमारे पास आ चुका है अमित। आपको इसकी बात बताऊं, ये कल सारा दिन यहाँ पे रहा और बोला कि मैंने वो देखनी है रामलीला, और शाम को गया। आज इसका मन है कि मैंने इसको कल बोला था कि तेरे को एक अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा, तो उसके लिए इसका मन है जाना फिर आज। हाँ, पर वहीं पे जो कल बताया था ये था। मम्मी बैलेंस बना के रखता है, सुबह सुबह रहता है अम्मू और नानी के पास, शाम को मम्मी पापा के पास। लोकल घर होने का यही फायदा है। एक्चुअली गाइस इसको छुट्टियां है ना चली हुई, तो घर पे सानवी वगैरह भी नहीं है, फिर अकेला होता है, ये आ जाता है सुबह मेरे को कॉल कर लेता है। फिर आती है वीडियो कॉल करने, ये कॉल कर लेता है, वीडियो कॉल कर लेता है, कॉल कर लेता है, बट इसको नंबर नहीं पता। मम्मी का फोन उठा के ना अपने का, इसको पासवर्ड भी पता है सबके, तो बस उसी से फोन मिला रहा है, सुबह कर लेता है मेरे को फोन, मैं उठा नहीं होता, तो कह रहा मामू आ जाओ यहाँ पे लेने, फिर मैं ले आता हूँ। अच्छा लगता है, हमारा भी टाइम निकल जाता है और उनके उनके खुशियाँ खुशियाँ रखी हुई है। और आज मैंने इसको बोला कि कहीं घूमने जाएंगे हम, जाएंगे मामू को हगी की। मामू हाँ जी, ट्रेन चले? इसने ना कभी ट्रेन नहीं किया, बस में भी सफर कर लिया इसने, और अपना जब चंडीगढ़ गया था मम्मी के साथ उसका हेलीकॉप्टर में भी कर लिया है ना, ट्रेन में नहीं किया। तो आज मेरा प्लान है वो नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि हो पाता है सक्सेस या नहीं, तो हम ट्रेन में जाएंगे। बट ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, वर्ल्ड फेमस ट्रेन, उसमें बर्थ पक्का नहीं है। हाँ मम्मी वहाँ पे ना गाड़ी का दिक्कत हो, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे आने की दिक्कत होगी। और गाइस आजकल ना मम्मी ने नवरात्रों में ना ये अखंड ज्योति जलाई हुई है, मैंने भी अभी जस्ट शव लिया और टाइम हो रखा 11:30, मेरे को बाहर जाना है। और मम्मी खाना बना दिया, क्या बना दिया? भिंडी। क्या बात है गाइस, भिंडी बनी है और जे पपाया। क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं? डरा रहा है ये अपने से छोटे को, डरा रहा है क्या? चाहिए हो खेल रहे हो? क्या सोच रहे हो? व्लॉग नहीं बना रहा? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक नंबर का लायर हूँ मैं, सुबह जो बोलता हूँ वो करता ही नहीं, ऐसा ही हो रहा है। और आप लोग सोचते हो कि पता नहीं व्लॉग नहीं आ रहे। कल भी कमेंट आया था किसी का,
कहाँ गायब हो गए? यही हूँ मैं, पता नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, सुबह सोचता हूँ आज ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, लेकिन ऐसे निकल जाता है डे, कुछ कर ही नहीं पाता। व्लॉग बनाता हूँ डिलीट कर देता हूँ, बनाता हूँ डिलीट कर देता हूँ, ऐसे ही 3 दिन निकल गए मेरे। और आज सोचा कि मैं यहाँ जाऊँगा अनवित के साथ, लेकिन जा ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे ही मेरे साथ, ना वहाँ जा रहा हूँ ना व्लॉग बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि जो मैं आपको देना चाहता हूँ ना वो दे नहीं पा रहा हूँ, कुछ अच्छा बढ़िया। डेली की किचकिच से मैं भी बोर हो चुका हूँ, बट आपको बोर नहीं होना, आपको यहीं पर रहना है। अगर आप चले गए ना तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट गया, हम ख़त्म, वो टूटने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूँ, क्या चीज़ें करूँ, फिर सोचा कि आप अपनी रियल नेचर को दिखाओ, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही बताओ ना। मैं सच बात बताऊँ गाइस, मैं व्लॉग बना रहा हूँ 3 दिन से, कुछ ऐसे पार्ट्स भी है मेरे पास, मैंने मम्मी के साथ बनाए, मैं एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, वो सारा नहीं डाला। बना रहा हूँ डिलीट करो, बना रहा हूँ डिलीट कर रहा हूँ, सो प्लानिंग करता हूँ, जा जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, अकेले ही चला जा रहा हूँ ना। मैं अनवित आया तो उसके साथ ट्रेन में जाना था, घूमना था, मैंने आप लोगों को बोला भी बट नहीं गया। फिर पता क्यों, मैंने सोचा कि यार मैं ऐसे ऐसे जाऊँगा तो बहुत सी दिक्कत हो जाएगी, किसी से छुट्टी वाले दिन जाऊँगा फिर। और आज सोचते कि व्लॉग दे देते हैं आपको, लायर तो बोला कि मैं लायर हूँ एक नंबर का, बट थोड़ा सा अच्छा भी उतरने की कोशिश करूँगा आज। और मम्मी जहाँ पे क्या बनाने की तैयारी है आज? फिर दही तड़का बनाना। दही तड़का, क्या बात है, दही को तड़केंगे आज हम। उसके लिए हमने ये मसाला ले लिया, फिर कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। और गाइस आज हमारे घर आया है बेसन का डिब्बा, कोई खाएगा ही नहीं, शादी थी ना, खाएगा नहीं, मतलब कि मैंने एक दो पीस खाए, बट मम्मी नहीं खाएंगे, मैं भी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों में। और आजकल हमारे घर ना दूध जो आ रहा है ना गाय का आ रहा है, इसलिए येलो येलो है, क्योंकि भैंस का दूध मिलना बंद हो गया है मम्मी। हाँ, बंद हो गया। क्यों? भैंस मना कर गई दूध देने को? हाँ। क्या कहती है, माने दोगे? ऐसे बोला डॉक्टर, कहते हैं गांधा दूध पीना। सही है। जीरा नहीं, धनिया, प्याज और प्याज, कड़छी, अदरक मिर्च ये भी डालनी है अपनी मर्जी से। प्याज को ना हल्का हल्का कच्चा रहने देना है ना। काम बन गया, रेडी, बस खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये बना हमारा थिक थिक शॉर्टकट कड़ी, छोटी कड़ी बड़ी कड़ी। और गाइस हमारे घर में जो दही तड़का फ्रीक्वेंटली बनता रहता है, आज सुबह भिंडी बनाई मम्मी ने, दाल भी है, ये ना हमें रेसिपी इतनी अच्छी लगती है ना, जैसे दही खाते ना हम, इसे कह लो एक तरह का मसाला दही, बढ़िया लगता है, फ्रेश फूड मिल जाता है खाने के लिए और इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, वो चटपटा होता है, इसलिए बनाते हैं। और आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नवरात्रे चले हुए प्याज खा रहे हैं, हाँ जी हम खा लेते हैं, क्या करें, और कुछ नहीं चलता हमारे घर में, मीट मच्छी अंडा बंद है घर में आना खाना, लेकिन प्याज खा लेते हैं, वेजिटेबल ही है, बट नवरात्रों में बहुत से लोग नहीं खाते, और अष्टमी वाले दिन हम भी नहीं खाएंगे, बाकी डेज खा लेते हैं। वैसे बनाना चाहिए हमें, हमें मम्मी बिना अनियन और गार्लिक के बनाना चाहिए आपको, है ना? चलिए राइस बन चुका है, आप थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, करवाओ थोड़ा नमक कैसे, आपको पता है घर में कोई भी चीज़ बनती है तो उसको टेस्ट तो मैं ही करता हूँ, डालो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, तो बिल्कुल देसी स्टाइल से पियेंगे, बस 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 नमक चेक करना होता है, बस ज़्यादा मत डालो मम्मी। राइस ज़बरदस्त ये बन चुका है, वो गैस को जला दिया थोड़ा सा, अब गर्म करेंगे इसको, लेकिन इसका टेस्ट लाजवाब। और ये एक ऐसी रेसिपी है ना, ये मैगी से भी जल्दी बनती है। चलिए गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जिस हिसाब से व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे ही किसी ने मेरे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया दुश्मनों ने, है मम्मी, कि मैं अपने काम से पीछे हो जाऊँ, बट ऐसा होने नहीं देंगे। और गाइस आज ना मेरे को जाना है रामलीला में, रामलीला देखनी है, ताड़का वध होगा, है ना, चलना है आपको? कोई बात नहीं, ताड़का को मैं यहीं पर ले आऊँगा, ठीक है, खुश हो गए मम्मी, ताड़का यही ले। मम्मी हंस रहे हैं, लायर है ऐसे बोला, बट इतने भी लायर नहीं कि आपको व्लॉग ना दे पाए, लायर कुछ कुछ बातों में, जब हम सुबह डिसाइड करते हैं ये चीज़ करेंगे लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए मैंने अपने आप को लायर बोला। और लायर से याद आया, लायर और लॉयर सेम ही चीज़ है ना, लॉयर भी सर
झूठ ही बोलते हैं। फिलहाल गाइस इस वीडियो में यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अजीब सा थोड़ा ना मेरा पता नहीं, ये व्लॉग ना फंसा हुआ था 3 दिन से, मेरे को ये था कि इसको मैं डालूं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ दिन में 2 डाल दूँ कि इसको ख़त्म करके, जब तक ये नहीं ना जाएगा तब तक मेरा नया बनेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले ना इस व्लॉग तक वो निकालते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, बड़ी मुश्किल से आया है, छिप कर बैठा हुआ था जी। बाय बाय।